रॉयल्टी अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, ये रॉयल्टी अचीवर्स यानी कि भीड़ से अलग बन गए। देखिए हम आज जो काम करते हैं वो काम का तरीका है हमारा, हम काम करते हैं तो पैसा आता है, जैसे हमने काम बंद कर दिया पैसा बंद हुआ। आप जॉब करते हो, आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शॉपकीपर हो, कोई भी हो, अगर आपने काम किया तो पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद, जब तक काम तब तक पैसा आएगा। इसलिए आज हम सब लोगों को ये चिंता है कि मेरा तो हुआ, अब मेरे बच्चों का क्या। लेकिन रॉयल्टी का ऐसी इनकम है, आप एक बार काम करो, आप एक बार सिस्टम बना लो, वो सिस्टम काम करेगी और सिस्टम आपको पैसा देगी, सिस्टम आपको रॉयल्टी देगी पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे किसी सिंगर ने गाना गाया, मुकेश जी ने गाना गाया, किशोर जी ने गाना गाया, मोहम्मद रफी ने गाना गाया, लता दीदी ने गाना गाया, ये गाना जब तक बिकता रहेगा। गाना कितने बार गाया? एक बार, ए मेरे वतन के लोगों, गाया एक बार, वो जब तक बिकता रहेगा तब तक उसकी रॉयल्टी उनकी फैमिली में आएगी। आपको पता होगा किशोर जी ने गाना गाया, लेकिन किशोर जी के जो बेटे हैं अमित जी वो भी गाते हैं, लेकिन अभी वो किशोर जी की रॉयल्टी लेते हैं, अभी बहुत सारा पैसा उनको मिलता है। क्या आप भी ऐसी ख्वाहिश रखेंगे कि इस जीवन में हम ऐसा काम करेंगे आने वाले कई पीढ़ियों तक रॉयल्टी मेरे घर में आए और मेरा नाम हो, ऐसी ख्वाहिश रखेंगे आप? कितने लोग रखेंगे, कितने लोगों को चाहिए? मिलेगा कुछ नहीं, कमाना पड़ेगा, क्योंकि मिलेगा तो वो तो अनुदान लाइन लगती है वहां पर, मेरे खाते में कितने आए, यहां पर आते। मुझे एक ने सवाल पूछा कि मैं अगर खरीदारी तो कितने पैसे आएंगे, मुझे एक ने पूछा कि मैं अगर आरसीएम ज्वाइन करता हूं और खरीदारी करता हूं तो मुझे कितने पैसे आएंगे। मैंने उनसे सवाल फिर सवाल पूछा, कितने चाहिए आपको? 2000 का सामान खरीदी करेंगे तो 200 आते हैं, 2000 का सामान खरीदेंगे तो 2000 आते हैं, 2000 का सामान खरीदेंगे तो 20000 आते हैं, 2000 का सामान खरीदेंगे तो 50000 आते हैं, 2000 का सामान खरीदेंगे तो 1,00,000 आते हैं, 5,00,000 आते हैं, 25,00,000 आते हैं, 2000 का सामान खरीदोगे 40,00,000 भी आते हैं। कितना कमाना चाहेंगे आप? पूछते हैं ना लोग? तो दोस्तों सिस्टम को थोड़ा सीखना पड़ेगा, और आज का जो प्रोग्राम होने वाला है ये पूरा के पूरा एजुकेशनल सेमिनार होने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा आज। तो ऐसे रॉयल्टी एचोरिस हॉल में है, मिलना चाहेंगे आप? ये थोड़े भीड़ से हट गए, पहले आप ही के जैसे आए थे, किसी ने इनको पकड़ के लाया था। कोई भी रॉयल्टी एचीवर यहां पर इंटरव्यू देके कंपनी में ज्वाइन नहीं हुआ, ये धक्का मार के लाए थे यहां पर। धक्का मारना जानते हैं आप? एक बार क्या हुआ, एक बड़े अमीर के घर में एक दावत थी, दावत में सब लोग गए। अमीर थोड़ा मजाक के किस्म का इंसान था, तो उसने पूछा चलो ये सब लोग आए तो दावत तो है, थोड़ा खेल भी कर लेंगे। सब लोगों को उसने बुलाया, स्विमिंग टैंक था, वो स्विमिंग टैंक के पास ले गया, बोले इस टैंक इस कोने से उस कोने तक जो तैरते पहले जाएगा उसको आज हम 10,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे। लोगों को लगा चला खाना तो है, खेल भी है, और टैंक से वहां तक जाना क्या बड़ी बात है, सिर्फ ये देख लिया है कि तेज कौन जाएगा। सब लोग टैंक तक गए, टैंक में देखा तो दो बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे, और खेल क्या था, यहां से कूदना है और सामने से निकलना है। सब लोग डर गए, यार यार 10,000 बड़े की जान बड़ी है, जान बहुत बड़ी है। लेकिन ऐसे में धमाक से आवाज आया, सब लोगों ने देखा तो एक युवक पानी में था और तैरते तैरते एकदम आगे निकल गया। सब लोगों ने ताली बजाई, उसको बाहर लाया, स्टेज पर ला गया। बोले वो क्या प्रेरणा थी कि तुम ये मगरमच्छ से डरे नहीं, क्या प्रेरणा थी? बोले प्रेरणा को छोड़ो, मेरे को धक्का किसने मारा वो बताओ। तो यहां पर जितने भी ज्वाइन है, आदरणीय मेरे गुरुजी है, इनको भी किसी ने किसी ने धक्का मारा है। आज जो स्पीकर बोलने वाले वो भी धक्के से जाए, तो अगर आपको धक्का लगा है तो बाप खुश नसीब है। अच्छा कितने लोग इस हॉल में जिनको धक्का लगा है, जरा हाथ ऊपर कर सकते हैं? अच्छा क्या बात है, और कितने लोग बाकी जिनको धक्का लगना बाकी है अभी? नए लोग कितने आज जिन्होंने अभी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, एक थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए आप। क्या है कि हमें दिखेगा कि कितने लोगों का हमें जोरदार सम्मान करना है। देखिए ऐसा हाथ नहीं करना, एक तो पूरा करना।